हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की राखी बनाना सीखेंगे। इस राखी को हम नुमा राखी बोलते हैं, चूड़े की राखी बोलते हैं। इस राखी को बनाने के लिए मैंने दो साइज़ के हाफ पर्ल काम में लिए हैं, एक बड़े साइज़ का और छोटे साइज़ के। और सेंटर में लगाने के लिए मैंने इस तरह की स्प्रिंग काम में लिए, जिसे हम गुलेन भी बोलते हैं या इसकी जगह हम जरदोजी भी लगा सकते हैं। तो हम ये दोनों में से कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। और उसके चारों तरफ मैंने तीन कलर के शुगर बीट काम में लिए, जिन्हें हम चिगड़ी भी बोलते हैं। तो मैंने रेड, ग्रीन और वाइट, इस तरह के शुगर बीट्स में काम में लेते हैं। और नीचे की तरफ लगाने के लिए मैंने इसमें दो कलर के साठन का रिबन का काम में लिया है, जो एक सेमी का साठन का रिबन होता है, जो मैंने इसमें काम में लिया। ऊपर की तरफ मैंने इसमें चार कलर के पर्ल लिए, रेड, वाइट, ग्रीन और गोल्डन कलर का। और साथ में मैंने एक कैप लिए, ये ना होता आप ये ओनली पर्ल के रो के भी डोरी में से हम बना सकते हैं। चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चोको टेट्रोन का पीस लेते हैं, हाफ पर लेते हैं, जो उसके सेंटर में हम फेविकोल से चिपका देते हैं। इसके चारों तरफ हम फेविकोल लगा के स्प्रिंग लेते हैं, जिसे गुलीन भी बोलते हैं, वो इसके चारों तरफ हम चिपका देते हैं। फिर हम शुगर बीड लेते हैं, जिन्हें हम चीड़ भी बोलते हैं, वाइट कलर के, जो इसके चारों तरफ हम एक रो लगा देते हैं। वाइट कलर के शुगर बीड लगाने के बाद हम इसके चारों तरफ रेड कलर के शुगर बीड्स लगाते हैं। रेड कलर के शुगर बीट लगाने के बाद हम वापस से इसमें एक रो वाइट कलर के शुगर बीट्स की लगाते हैं। अब इसके चारों तरफ इस तरह के हाफ पर्ल की एक रो लगाते हैं। अब हम धागा लेते हैं और ग्रीन कलर के शुगर बीट लेते हैं, जिन्हें हम सुई में पांच पिरोते हैं, जो हमने हाफ पर लगाए थे हम उनके ऊपर ये राउंड शेप में लगाते हैं। इस तरह में से राउंड शेप में ऊपर लगा लेते हैं। अब हम अगले में लगाते हैं, वही हम पांच शुगर बीट पिरो लेते हैं। इस तरह धीरे धीरे हम सभी पर्ल्स के ऊपर ग्रीन कलर के ये शुगर बीट, जिन्हें हम चीड़ भी बोलते हैं, हम लगा लेते हैं और इसे पूरा कर लेते हैं। इस तरह हमने इसे कंप्लीट कर लिया। अब इसके चारों तरफ हम वाइट कलर के शुगर बीट्स की एक रो लगा देते हैं। वाइट कलर के बाद हम रेड कलर की एक रो लगा देते हैं।
अब इसमें हम एक वाइट कलर की रो शुगर बीट की वापस से लगा देते हैं। वाइट कलर की रो लगाने के बाद वापस से हम पर्ल की एक रो लगाते हैं। रो लगाते हुए से हम अब कंप्लीट कर लेते हैं। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई, कंप्लीट हो गया है। अब हम स्प्रिंग लेते हैं और सुई धागा लेते हैं, जो हमने हाफ पर लगाए थे उनके चारों तरफ हम ये स्प्रिंग सुई धागे से लगाते हैं। तो जिस तरह से हमारे पर्ल्स लगे हुए हैं उसी तरह से हम ये राउंड शेप में ही स्प्रिंग को हम सुई धागे से लगाते हैं। तो पहले हम सेंटर में लगा लेते हैं, फिर पर्ल के ऊपर लगाते हैं, फिर दो पर्ल्स के बीच में दो जो गैप बन जाता है उस गैप में हम इसे स्प्रिंग को ले जाते हैं और इसे राउंड शेप में हम इसे लगा लेते हैं। फिर अगले पर्ल पे हम ऊपर की तरफ एक नोट लगा देते हैं जिससे वहाँ पे ये स्प्रिंग अटैच हो जाती है। इसके ऊपर से हम निडिल को ले लेते हैं जिससे वहाँ से ये जुड़ जाती है, पर्ल के ऊपर राउंड शेप में आ जाएगी। अब वापस से हम अगले पर्ल के बीच में जो गैप है उस जगह लेके जाते हैं। इस तरह ये पर्ल की जिस तरह की शेप बन जाती है हाफ सर्कल में, उसी तरह से हम स्प्रिंग को लगाते हुए सभी जगह में स्प्रिंग लगा लाती हूँ। इसे हमने स्प्रिंग लगा के कंप्लीट कर लिया है। जैसे सेंटर में हमने पर्ल्स के ऊपर ग्रीन कलर के शुगर बीट लगाए थे, वैसे ही इन पर्ल्स के ऊपर भी हम ग्रीन कलर के शुगर बीट्स लगाते हैं और सभी जगह लगाते हुए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसे कंप्लीट होने के बाद धीरे धीरे हम चारों तरफ से बची हुई टैटरों को काट देते हैं। इसे हम बहुत धीरे धीरे सफाई से काटते हैं कि हमारी गुली ना कट जाए या नीचे से धागा ना कट जाए। इसे हम धीरे धीरे सफाई से चारों तरफ से काट देते हैं। चारों तरफ से कट जाने के बाद हम पीछे की तरफ एक राउंड कलर का टैटरों का पीस ओढ़ लेते हैं, जो इसके पीछे हम चिपका देते हैं। इसे चिपकाने के बाद हम ड्राई होने के लिए रख देते हैं। इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। हम दो कलर के साटन के रिबन लेते हैं, रेड और ग्रीन। ये एक इंच का एक सेमी का रिबन होता है। इसमें हम इस तरह से प्लेटें सिलाई मशीन से डाल लेते हैं, इसके तीन छोटे छोटे पीस बना लेते हैं। मैंने ये सिलाई मशीन से पीस बना लिए, दो रेड कलर के बनाएंगे हम और एक ग्रीन कलर का बनाते हैं। अब हम छोटे छोटे तीन टैट्रॉन के पीस लेते हैं राउंड शेप के। इनके ऊपर दो के ऊपर हम रेड लगाते हैं, एक के ऊपर ग्रीन लगाते हैं। ये हम ग्लू गन की हेल्प से चिपका सकते हैं। अगर आपके पास ग्लू गन ना हो तो आप इसे सिलाई मशीन से या फेविकोल से चिपका सकते हैं। यानी मैं ग्लू गन से इसे राउंड शेप में इसे मैं चिपका देती हूँ। तो इसे पूरे राउंड शेप में मैं चिपका लेती हूँ। इस तरह मैं बाकी के भी अपने दोनों तैयार कर लेती हूँ। अभी हमारे तीनों तैयार हो गए। अब हम गोल्डन कलर की डोरी लेते हैं। इसकी जगह आप कोई भी डोरी काम में ले सकते हैं। इसके पीछे का हिस्सा मैं एक तरफ ग्लू गन से चिपका देती हूँ और उसके ऊपर एक छोटा सा टैट्रॉन का पीस चिपका देती हूँ। अब हम सुई धागा लेते हैं और अपनी डोरी के अंदर पर्ल पिरोते हैं। सबसे पहले हम गोल्डन मोती पिरोते हैं, उसके बाद इस तरह की कैप पिरोते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप मोती ही पिरो सकते हैं। फिर ग्रीन, वाइट और रेड कलर का मोती इसमें मैं पिरो लेती हूँ और ऊपर की तरफ मैं इसमें एक गांठ लगा देती हूँ जिससे हमारे मोती वापस ना निकले। जो हमने तीनों साठन के तीन राउंड बनाए थे उसमें सेंटर की तरफ ग्रीन कलर का लगा देते हूँ। दोनों साइडों में मैं रेड कलर का लगा देती हूँ।
अब हम जहाँ पे हमने अपनी डोरी लगाई थी वहाँ पे इस तरह से राउंड करते हुए ग्लू गन से हम इसे चिपका देते हैं। ये इसे आप सुई धागे से हाथ से भी चिपका सकते हैं। इस तरह मैं इसे यहाँ पे चिपका देती हूँ तो हमारी ये राखी बन जाती है। इस तरह हमारी ये राखी पूरी हो गई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।